नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार। चले राजस्थान की आज की ताजा अपडेट जानते हैं। और दोस्तों, आप राजस्थान समाचार पर नए आए तो राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चले प्रदेश की पहली और सबसे बड़ी अपडेट जानते हैं। राखी पर महिलाएं कर सकेगी फ्री में सफर, राजस्थान रोडवेज ने किया बड़ा ऐलान। 11 अगस्त को 24 घंटे राजस्थान सीमा में लागू होगी ये योजना। मुफ्त यात्रा का लाभ 10 अगस्त रात 12 बजे से मिलना शुरू हो जाएगा, जो 11 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगा। राजस्थान की महिलाओं के लिए 11 अगस्त को दिन में रोडवेज बसों में फ्री में इधर उधर जा सकती हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में युवाओं को नौकरी में 2 साल की छूट मिली है। सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे कैंडिडेट को अब ऊपर एज लिमिट में 2 साल की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना के कारण सरकारी भर्तियों के लिए 2 साल परीक्षाएं नहीं होने का हवाला देकर 2 साल की छूट देने की घोषणा की है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। किसानों की कर्ज माफी की घोषणा पर पूरी करे सरकार। जैसलमेर के जिले में रामगढ़ कस्बे में बीजेपी ने जन आक्रोश रैली निकाली। पूनम नगर मंडल और रामगढ़ मंडल के बैनर तले भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उससे हर जगह विफल सरकार बताया। राजस्थान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के कर्ज माफी की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं कर पाई है। किसानों को पानी भी पूरा नहीं दे रही है गहलोत सरकार। दोस्तों, इन पर धरना प्रदर्शन किया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई योजना में गाय और भैंस पालने वाले पशुपालक किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की तर्ज पर अलग से पशु किसान क्रेडिट कार्ड यानी सीसी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत गाय पालन करने वाले पशुपालकों को सरकार की ओर से 40,000 रूपए और भैंस पालने वाले पशुपालक को 60,000 रूपए कर्ज के रूप में दिए जाने हैं। सरकार की ओर से एक किसान को अधिकतम 1,60,000 रूपए तक का लोन दिया जा सकता है। इसमें नया पीसीसी कार्ड बनाने के लिए अभी बंद हो चुका है। कार्ड दोबारा शुरू करने के लिए लिमिट राशि बढ़ाने की भी प्रावधान है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। उदयपुर में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। उदयपुर में शनिवार को 19 नए पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। ये 1 मार्च के बाद उदयपुर में आए कोरोना के सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले 1 मार्च को 23 रोगी देखने को मिले थे। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 12 जिले के अंतर विधानसभा में सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। विभिन्न सड़कों का निर्माण और मरम्मत होने पर यहां से आवाजाही कर रहे क्षेत्रवासियों को राहत मिल सकेगी। खान मंत्री प्रमोद बयान ने अंतर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के प्रस्ताव भिजवाए थे, जिन्हें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के तहत मंजूर करते हुए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। अजमेर डिस्कॉम के इंजीनियरिंग की अश्लील पार्टी। रिटायरमेंट पार्टी के नाम पर अजमेर डिस्कॉम के बड़े अधिकारियों को अश्लील पार्टी करते हुए एक वीडियो सामने आया है। इसमें डिस्कॉम के कई अधिकारी और कर्मचारी बार गर्ल्स के साथ फूड डांस करते दिख रहे हैं। डिस्कॉम के सीनियर अधिकारियों का कहना है कि वे इस पार्टी में गए थे, लेकिन कोई अश्लील डांस नहीं हुआ था। इधर डिपार्टमेंट ने एक सीनियर इंजीनियर पर कार्रवाई करते हुए इसे अपयोग कर दिया गया है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। मंकी पॉक्सो के खतरों के बीच राजस्थान में शुरू हुई जांच। देश दुनिया में मंकी पॉक्सो के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब राजस्थान में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसके लिए जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी की जांच की लैब भी शुरू कर दी गई है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 10वीं पास किसान कर रहा है 3 करोड़ की कमाई। अखरोट, अंजीर, काजू और बादाम से महंगा फ्रूट है, सुनकर हैरान हो जाओगे, लेकिन राजस्थान के मारवाड़ इलाके के जालौर में सबसे महंगे खजूर की खेती की जा रही है। पहले जिले में बारिश की सीजन में खेती होती थी, लेकिन 2008 में नर्मदा नहर आने के बाद इस इलाके में दूसरी फसलें भी होने लगी है। अब खजूर की खेती में इनोवेशन के जरिए किसान साल के 3 करोड़ रूपए कमा रहा है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। सीएम व खान मंत्री से मिले 6 विधायक, बोले बजरी को जल्द से जल्द चालू की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद 12 नवंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक हटा दी है। करीब 4 साल बाद बजरी फिर से खुलने की उम्मीद लोगों में थोड़ी सी जगी थी, लेकिन पिछले 8 माह से अवैध बजरी माफिया जनता को लूट रहे हैं। इन बजरी माफियाओं से सिर्फ जनता ही नहीं, उनकी सरकार के मंत्री और विधायक भी दुखी हैं। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। NIA करेगी कर्नाटक भाजपा नेता की हत्या की जांच। दक्षिण भारत में फैले आतंकी नेटवर्क को खगोलेगी PAY समेत अलकायद कनेक्शन की जांच करेगी। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। 3 दिन में 3700 रूपए महंगी हुई चांदी। ग्लोबल बाजार में डिमांड बढ़ने के साथ ही सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 850 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं चांदी प्रति किलो की कीमत में 3700 रूपए बढ़कर 59,700 रूपए पर पहुंच चुकी है। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। राजस्थान में 26 अगस्त को होंगे छात्र संघ चुनाव। 22 अगस्त तक नामांकन भर सकते हैं आप और 27 अगस्त को इसका रिजल्ट आएगा। चलिए अगली अपडेट जानते हैं। फिजिकल टीचर को घर बुलाकर महिला ने बाथरूम में छुपाया। अचानक घर आए साथियों ने पकड़कर बंधक बना लिया और 20 लाख का चेक ले लिया। पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों, ये थी राजस्थान की आज की ताजा अपडेट। ऐसी अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने जिले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।